11 अक्टूबर 1942 को अलाहाबाद की गलियों में पैदा हुए अमिताभ हरिवंश राय बच्चन आज इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। लेकिन इस जर्नी में अमिताभ की लाइफ में कुछ ऐसे पल भी आए जब उनकी आंखों से छलक पड़े आंसू। और ऐसे पलों की शुरुआत हम उस वक्त से कर रहे हैं जब अमिताभ एक अभिनेता से राजनेता बन गए थे, अलाहाबाद में भारी वोटों के साथ जीते थे, लोग उन्हें इंडियन पॉलिटिक्स का फ्यूचर मानने लगे थे। लेकिन फिर एक दिन 16 अप्रैल 1987 स्वीडिश रेडियो ने अनाउंस किया कि स्वीडिश कंपनी बोफोर्स ने कांग्रेस गवर्नमेंट को $50 मिलियन रिश्वत देकर गन सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट जीता। इस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत $1.4 बिलियन थी। बोफोर्स स्कैंडल भारत का सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्कैंडल बनकर सामने आया और इसने राजीव गांधी से लेकर अमिताभ बच्चन तक किसी को नहीं बख्शा। लोगों ने सोचा था कि अमिताभ करप्शन से लड़ेंगे, लेकिन अब लोगों की ही नजरों में अमिताभ करप्ट बन चुके थे और उन्होंने पॉलिटिक्स को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। It was a very emotional decision and I went into politics. Rajiv ji asked me to fight an election. I fought, I won, came into parliament. But having reached there, I realized that, you know, it was not something that I was comfortable doing because I knew nothing about it. And decided to resign. इसके बाद अमिताभ ने अपनी कंपनी ABCL की शुरुआत की, जिसने पहले ही साल 15 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट किया और 15 से ज्यादा फिल्में बनाई। अमिताभ ने कंपनी को और बड़ा बनाया और इंडिया का उस वक्त का सबसे ग्लैमरस और महंगा इवेंट अपने हाथों में लिया। 22 नवंबर 1996 अमिताभ की कंपनी ABCL ने बैंगलोर के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में सबसे बड़े पैजेंट को ऑर्गेनाइज किया, जिसके अगेंस्ट पिछले कई हफ्तों से फेमिनिस्ट पार्टीज का प्रोटेस्ट चल रहा था। जैसे जैसे इवेंट आगे बढ़ा, स्टेडियम के बाहर मौजूद प्रोटेस्टर्स की तादाद भी बढ़ी। डर के मारे कोई इवेंट में नहीं गया, नतीजा खाली सीट्स और करोड़ों रुपयों का नुकसान। इस एक रात में अमिताभ बच्चन को 70 मिलियन से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। टेलीविजन राइट्स के लिए दूरदर्शन को 80 मिलियन अलग से देने पड़े। अमिताभ पूरी रात नहीं सो पाए क्योंकि एक रात ने ही अमिताभ को मिलियनेयर से पाई पाई गिनने के लिए मजबूर कर दिया था। Point was that he didn't have the right kind of a team to execute such a huge project. You know, it's not a joke, you know. First time it was happening in India. And you had to have done enough homework to get into it like that. I think it was a very rash decision to do that. अमिताभ के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। अगर कोई उम्मीद बची थी, तो वो सिर्फ बॉलीवुड में एक बार फिर से वापसी। 25 अप्रैल 1997 अमिताभ की कमबैक फिल्म मृत्युदाता का रिलीज। सुबह 10:10 पर टिकट विंडो खुली, लेकिन अमिताभ की फिल्म को देखने ना के बराबर लोग पहुंचे और जिसने भी फिल्म को देखा सिर्फ क्रिटिसाइज ही किया। फाइनेंशियल बैंकरप्सी के साथ साथ अमिताभ को करियर खत्म होने का डर भी सताने लगा। उनकी आने वाली हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकाम साबित हुई। अमिताभ बच्चन को लोग बीते दिनों का एक्टर मानने लगे थे। Those were times when things were not going too well, whether it was the corporation that we had formed, which went into a lot of debt. There was great financial stress, personal financial stress, almost bankrupt. Films not doing well. So yes, that was a difficult phase. लेकिन कहते हैं कि जो किस्मत को भी बदल दे उसे भगवान नहीं अमिताभ कहते हैं। अमिताभ हर मुश्किल से लड़े और आज फिर से सबसे बड़े स्टार बन चुके हैं। लेकिन अमिताभ में ऐसा क्या है जिसने उन्हें बना दिया सदी का सुपरस्टार? ये देखिए बिग स्टोरी की अगली स्टोरी में।